हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शीन की चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने ऑर्डर की हैं जी। पेज है एस्थेटिक फैशन के नाम से। अगर आपने शीन से कुछ भी ऑर्डर करना है तो इनके पेज से आप ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रीन पर मैं इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो लिख दूंगी। इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, इन सब चीज़ों के लिए मैंने खुद पे किया है, लेकिन इनकी ना डिलीवरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो इस वजह से शीन से अगर मुझे कुछ भी जब भी मंगवाना होता है तो मैं इनसे ही मंगवाती हूँ। अगर आपने भी ऑर्डर प्लेस करना है, आपने डायरेक्टली शीन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से लिंक कॉपी करना है, इनको भेजना है, साइज़ बताना है और ये आपको यहाँ पाकिस्तान में डिलीवर कर देंगे। ये जो ऑर्डर है ना, ऑलमोस्ट आधी सर्दियाँ गुजर गई हैं और मैंने एक तो ऑर्डर काफ़ी लेट प्लेस किया था और उसके बाद आते आते एक महीना लग गया, तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा देती हूँ। दिखाने के बाद मैं पहनना शुरू करूँगी। तो भाई जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैंने ना ऑलरेडी सारी चीज़ें अलग अलग ये शॉपिंग बैग्स में थी तो मैंने निकाल के ना बाहर रख ली हैं, ताकि मुझे वो शॉपरों की जो खड़खड़ खड़ है ना वो ना सुननी पड़े और ना ही आप लोगों को सुननी पड़े। आप लोगों को सुननी पड़ती है तो मुझे पता है बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, स्पेशली जब हैंड फ्री लगाई होती है ना बंदे ने, शॉपरों की चीड़ चीड़ खीड़ खीड़ अंदर आ रही होती है। खैर अभी मैं आप लोगों को ना दिखाना शुरू करती हूँ एक एक करके। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरा पायल, ये है जी सारे स्लीवलेस स्वेटर्स। मेरा बहुत टाइम से मूड था स्लीवलेस स्वेटर्स ऑर्डर करने का। पिछली सर्दियों में काफ़ी जल्दी सर्दियां चली गई थी तो मुझे मौका नहीं मिला मंगवाने का, तो इस साल मैंने काफ़ी ढेर सारे जो स्लीवलेस स्वेटर्स हैं ना वो ऑर्डर कर लिए हैं। एक एक करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आ गया जी ये वाला स्वेटर। ठीक है, आजकल ना इस तरह के जो स्वेटर्स होते हैं जिन पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं बड़े ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, सॉलिड ब्लैक एंड वाइट, वी नेक है इसकी। सबसे पहला मैंने ये ऑर्डर किया था। इसमें मैंने ना काफ़ी ढेर सारे कलर्स मंगवा लिए हैं। उसके बाद मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। इसका भी बहुत ही प्यारा सा ना डीप पर्पल सा कलर है, इस तरह से वी नेक है। इसके नीचे आप हाई नेक पहन सकते हो, इसके नीचे आप किसी भी किस्म की कोई जो फुल बाजू की शर्ट है वो पहन सकते हो, और ऊपर आप ये पहनोगे ना तो इतना प्यारा सा और क्यूट सा आपका लुक आता है ना। ये सारे मैंने स्मॉल साइज के अंदर ऑर्डर किए, साइज जरा ना आपने ध्यान से देख के ऑर्डर करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये मंगवाया है, इस तरह से डायमंड पैटर्न है इसके ऊपर, इसकी भी वी नेक है फ्रंट, और ये जी बैक प्रिंटेड है। इसके बाद ये वाला ऑर्डर किया है, इसका भी ना कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था, पीच सा और ब्लू सा, बड़ा ही मज़े का इसका प्रिंट है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। उसके बाद आ गया जी ये वाला। अच्छा, ये जो दोनों है ना ये सेम ही है, इसमें मतलब स्वेटर का डिज़ाइन सेम है। इसमें मैंने दो कलर्स ऑर्डर किए हैं, एक ये ब्लू और एक ये वाला ग्रीन। ये पैटर्न है इसके ऊपर, वी नेक है ये वाला, और इसी सेम डिज़ाइन के अंदर ये ग्रीन वाला है। ठीक है, सेम ही है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये वाला लाइलेक कलर में। लाइलेक तो यार आजकल ना मेरा फेवरेट चल रहा है, हर चीज़ में मुझे लाइलेक कलर इतना पसंद आ रहा है। उसके बाद लास्ट, बस ये जो स्लीवलेस स्वेटर्स हैं ना मैंने यही वाले मंगवाए हैं। ये देखें ये कितना प्यारा है, कलरफुल सा। एक इसमें मैंने ये स्लीवलेस मंगवाया और इसी तरह का एक कलरफुल सा मैंने फुल स्लीव में भी ऑर्डर किया है। ठीक है, ये सारे थे जी स्लीवलेस। ठीक है, ये वाले जो मैंने ऑर्डर किए हैं। उसके बाद अब जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे स्लीव्स वाले हैं, कुछ इसमें फर वाले हैं। नहीं, इसमें सिर्फ ये वाले जो तीन है ना ये फर वाले हैं, और बस यही एक जो स्वेटर है ना सिंपल वाला जो निटेड स्वेटर होता है वो यही वाला एक है, क्योंकि मैंने पिछले साल ना बहुत सारे निटेड स्वेटर्स ऑर्डर किए थे और इस साल भी अभी मैंने वो पिछले साल वाले नहीं पहने, तो इसलिए मैंने जो फुल स्लीव्स वाले स्वेटर है ना वो मैंने कम ही ऑर्डर किए हैं। ठीक है, ये देख लें ये ऐसे लग रहा है जैसे ना फटा हुआ होता है, पर ये स्टाइल है। ठीक है, ये देखें बाजुओं पे भी सेम इसी तरह से और नीचे से भी सेम इसी तरह से, कसम से कैमरे पे ऐसे ही लग रहा है जैसे फटा हुआ होता है, वैसे देखने में भी ऐसा ही लग रहा है जैसे फटा हुआ होता है, टिड्डी नहीं टूक जाती वही वाली लुक दे रहा है। ठीक है जी, एक ये निटेड स्वेटर हो गया। उसके बाद ये वाले जो तीन आप लोगों को दिखा रही हूँ ना ये है जी फॉक्स फर, जो बड़ी मुलायम सी फर होती है ना फॉक्स फर, ये वो वाले हैं। इसमें भी मैंने एक दो तीन मंगवाए हैं। ये वाले दिखा के फिर मैं आप लोगों को ये वाली एक्सेसरीज दिखाती हूँ। कुछ मैंने एक्सेसरीज भी शीन से ऑर्डर की हैं।
ठीक है, ये वाइट वन देख लें, ये क्रॉप स्वेटर है, छोटी सी इसकी लेंथ है, बिल्कुल इतनी सी। इसके नीचे ना आपको कैमिसोल वगैरह या कुछ और टॉप वगैरह नीचे पहनना पड़ेगा। सिंपल सा वाइट इस तरह से है, मुँह कहाँ से दिखाऊँ अपना। उसके बाद एक ये मैंने ऑर्डर किया था, ये भी बड़ा ही मुझे मज़े का लगा था, कलरफुल सा, ये तो मैं घर पहनूंगी, इतना कोई सॉफ्ट है ना यार, मज़ा आएगा पहन के। अंदर से भी सेम इसी तरह से सॉफ्ट है और इसके कलर भी देखो कितने प्यारे हैं यार। बैक से प्लेन है ये। वैसे ना मैंने साइज ऑर्डर किया था स्मॉल, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि स्मॉल भी ना काफ़ी खुला खुला होगा मुझे, लेकिन अच्छे लगते हैं यार सर्दियों में आप जो खुले खुले बैगी बैगी से पहनते हो ना, अच्छा नहीं। स्लीव्स मुझे पूरे हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल इसका डिज़ाइन ही ऐसा है, बैगी सा स्टाइल है इसका। ठीक है, ये मंगवाया है और लास्ट में आ गया जी हमारे पास ये ब्लू कलर में, बहुत ही सॉफ्ट। और इसकी जो फ्रंट है ना, ऐसे करके फ्रंट साइड पे ये वाली जिप है। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सेसरीज दिखाती हूँ जो मैंने मंगवाई हैं। सबसे पहले तो ये मैंने स्क्रंचीज का पैक ऑर्डर किया था, चिड़चिड़ शुरू हो गई ये स्क्रंचीज का पैक ऑर्डर किया था मैंने, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 स्क्रंचीज हैं और ये वेलवेट में बनी हुई है, इतनी सॉफ्ट। और कलर्स चेक करें कितने प्यारे प्यारे से, लाइट से पेस्टल कलर्स हैं सारे इसके अंदर। नीचे गिर गई, ठीक है। ये इस तरह से 9 का पैक है स्क्रंचीज का, ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स हैं इसके अंदर। ये पाउडर पफ, ये भी पैक था 1 2 3 4 5, ये 5 का पैक था। ये भी आप लोगों ने ना काफ़ी सारे ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, स्पेशली जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बाहर के मुल्क के, जो गोरे गोरियाँ होते हैं, वो इस तरह के पाउडर पफ्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ ना आप इस तरह करके जब पाउडर प्रेस करते हो अपनी स्किन में, तो बड़ा अच्छा सा फ्लॉलेस सा आपको लुक आता है, और पाउडर ना ज़्यादा वो केकी वाला जो लुक होता है ना, वो नहीं देता। तो एप्लीकेशन आसान है इसके साथ पाउडर की, पाउडर पफ्स बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से, शीन पे अगर सर्च करना हो आपने, इसलिए नाम बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ये वाली दो हेयर एक्सेसरीज मंगवाई थी, ये भी सेम ही है, दोनों का सिर्फ कलर डिफरेंट है। एक ये है इसके अंदर, इसको ना मुझे प्रेस करना पड़ेगा, स्टीम प्रेस। ये देखें, एक ये मैंने वाइट में मंगवाई है और एक ये मैंने लाइलैक में मंगवाई है। ऐसे करके खुलेंगी बंद होगी, जो वो क्लिप्स होती है ना उसका पैक है इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, ठीक है। सारे कलर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। ये लास्ट चीज़ थी जो मैंने मंगवाई थी, मैं आप लोगों को ये एक निकाल के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाली लुक है इसकी, स्वेटर पहन के ही पीछे आप यहाँ पे करके ना लगा लो, बड़ी मज़े की लुक देती हैं ये भी आपको, ठीक है। बैक से इस तरह की दिखती हैं। और बस जी ये लास्ट चीज़ थी, यहाँ पे हमारी शॉपिंग होती है ख़त्म। ये चीज़ें थी जो मैंने शीन से ऑर्डर की थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने अम्मी अबू का बहुत ढेर सारा ख्याल रखना है।